हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल छियाल मंत्रा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, ये टॉपिक होने वाला है वायु की गतियाँ। आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। गाइस, मेरे पास कमेंट आया था कुमारी गुड़िया का इस लेसन प्लान को प्रोवाइड करने के लिए, तो मुझे कोल्ड हो गया था, इस वजह से मुझे थोड़ा देर हो गया, लेट हो गया अपलोड करने में वीडियो। बट आज का ये वीडियो होने वाला है इस टॉपिक पर, वायु की गतियाँ। गाइस, इसके पहले मैंने आपको 22 लेसन प्लान ज्योग्राफी के प्रोवाइड कर दिए हैं और मैंने आपको इंग्लिश के भी 20 से 21 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। गाइस, मैंने आपको बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं, मध्यान्ह भोजन, प्रतिभाशाली बालक, परसाइनमेंट, योगा फाइल, टूर फाइल और क्रियात्मक अनुसंधान आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप कि आप उसे देखे होंगे, आपको बहुत हेल्प हुई होगी। तो चलिए गाइस, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये पाठ योजना नंबर डाल लीजिएगा, आपकी जिस आपका जो भी नंबर होगा पाठ योजना लेसन प्लान का। इसके बाद आप संस्था का नाम लिख लीजिएगा, आपकी टीचिंग जिस शिक्षण संस्थान में लगी होगी। फिर आप छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर गाइस आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा। देन आप इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि आप स्ट्रक्चर में फिल कर लीजिएगा। आपकी जिस डेट को लगी होगी टीचिंग वो लिख लीजिएगा। फिर कक्षा आप 7th 8th में से पढ़ा सकते हैं। फिर आप वर्ग सेक्शन लिख लीजिएगा, ए या बी। फिर विषय भूगोल, चक्र आप पीरियड लिख लीजिएगा। इसके बाद अवधि आपकी जितनी मिनट की क्लास होगी। इसके बाद आपका होता है प्रकरण और टॉपिक, मेंस होता है टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं, तो इसे आप डाल लीजिएगा, वायु की गतियाँ। देन हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आप सामान्य उद्देश्य लिख लीजिएगा, मीन्स होता है जनरल एम्स। आपके भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर आप 1 to 8 पॉइंट लिख लीजिएगा। तो इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना व प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना, फिर छात्रों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना। इसके बाद है छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। तो यहाँ तक हो जाता है आपका सामान्य उद्देश्य। इसके बाद होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है? ये होता है आपका स्पेसिफिक एम, मीन्स आप बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वायु की गतियाँ, वायु की गतियाँ टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, किन किन चीज़ों का उनमें विकास करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो गाइज, इसमें आपके 3 उद्देश्य होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर आप तीनों में 2-2 पॉइंट लिख लेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिख लेंगे, छात्र वायु की गतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र वायु के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे, फिर है छात्र वायु के प्रकारों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, फिर है छात्र वायु की गतियों के बारे में वर्णन कर सकेंगे। देन आपका आता है छात्र वायु की गतियों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शा सकेंगे, छात्र वायु के प्रकारों को अपने अभ्यास पुस्तिका में दर्शा कर इसकी व्याख्या कर सकेंगे। तो यहाँ तक हो जाता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। फिर होता है आपका शिक्षण विधि। ये क्या होता है? टीचिंग मेथड। इसमें देखिए 2 मेथड्स होते हैं, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। आप बच्चों से प्रश्नोत्तर कर प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उसका उत्तर देते हैं, मीन्स आप बच्चों से इंट्रैक्शन करते हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं। और व्याख्यान विधि क्या होती है? व्याख्यान विधि होती है आप ओनली आप ही उस चीज़ को उस टॉपिक की व्याख्या कर रहे होते हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, यही होती है आपकी व्याख्या विधि। इसके बाद होता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होता है गाइस? आप टीचिंग के दौरान जो जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं वही होती है आपकी सहायक सामग्री। कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, टेस्टर, ग्लोब, मानचित्र आदि, ये हो जाता है आपका। गाइस, मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी भी कोल्ड है, इस वजह से आवाज़ ऐसे आ रही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देन आपका आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? छात्र वायु की गतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं,
पूर्व ज्ञान ये होता है, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। पूर्व ज्ञान क्या होता है, एक ब्रिज होता है पूर्व ज्ञान, ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चा जाता है और बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर आगे आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना मीन्स होता है इंट्रोडक्शन। आप बच्चों से कुछ इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो, ताकि बच्चे उसका आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका समस्यात्मक आ सके। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। देन आपका क्वेश्चन होगा, हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन हेतु किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, हवा, पानी आदि की आवश्यकता होती है। बच्चे ऐसे ही आंसर देंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा, हवा को आप और किन नामों से जानते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, वायु, पवन, समीर आदि, क्योंकि आपको वायु शब्द लाना है तो आप बच्चों के मुंह से उस चीज़ को बुलवाएंगे। देन आपका वायु शब्द आने के बाद आपका क्वेश्चन होगा, वायु से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यही होता है आपका उद्देश्य कथन। यहीं से आप आगे बच्चों को बोलेंगे उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम वायु की गतियों के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है। अब आता है आगे आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपका 2 शिक्षण बिंदु होता है। आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके 2 से 3 शिक्षण बिंदु होने चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपका 1 ही शिक्षण बिंदु होता है। तो देखिए, फाइनल ईयर में आप 2 शिक्षण बिंदु बनाएंगे, जैसा कि मैंने बनाया है। उस टॉपिक के एक पार्ट को हम शिक्षण बिंदु फर्स्ट में कवर करने वाले हैं, जैसे पवन तथा इसकी दिशा सिद्धांत। ठीक, और दूसरे शिक्षण बिंदु में हम इस टॉपिक के दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण बिंदु होगा, विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट सारांश, मीन्स आप जो ब्लैक बोर्ड पर वर्क करेंगे वो होता है आपका श्यामपट सारांश। तो यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, वायु का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, हवा, पवन, समीर आदि, बच्चों का एक्सपेक्टेड आंसर ये आएगा। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, पवन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये आपका समस्यात्मक आ जाएगा। समस्यात्मक आने के बाद आपका अब आता है छात्राध्यापिका कथन। यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर आप व्याख्यान विधि का यूज़ करते हैं, बच्चे उसे साइलेंट होकर सुनते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे, गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। वायु सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप या मुड़ान हो जाता है। इसी बल को विक्षेप या कोरियालिस बल कहते हैं। तो यहाँ तक आपका यह एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके बाद आप श्यामपट सारांश पे जो भी हाईलाइटेड चीज़ें होंगी आप उसको नोट कर देंगे, जैसे कि पवन की जो परिभाषा है वो आप नोट कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आता है आपका बोध प्रश्न। अभी अभी जो आपने एक्सप्लेन किया है उसी में से आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, हवा या पवन किसे कहते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। फिर आपका क्वेश्चन होगा, विक्षेप बल किसे कहते हैं? तो ये भी बच्चे आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन होगा, विक्षेप बल को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर कोरियालिस बल, बच्चे आंसर दे पाएंगे। देन आप आगे आपका आता है शिक्षण बिंदु। यहाँ पर देखिए, दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण का। तो यहाँ पर दूसरे शिक्षण बिंदु में आप उस टॉपिक के दूसरे पार्ट को कवर करेंगे, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, हवा या पवनों के प्रकार। ठीक, तो यहाँ पर फिर से वही होगा, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट सारांश। तो यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, पवनें कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, यही आपका टॉपिक है पवनों के प्रकार। तो यहाँ पर आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इस टॉपिक को। तो आप एक्सप्लेन करेंगे,
पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट स्थायी पवने, सेकंड मौसमी पवने और तीसरा है स्थानीय पवने। गाइस इसे करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे स्थायी हो स्थीय हो गया है, तो यहाँ पर स्थानीय आप अच्छे से कर लीजिएगा करेक्ट। तो यहाँ पर स्थानीय पवनें हो गई, तो अब आप इस चीज़ को यहाँ पर कवर कर देंगे, इन तीनों पवनों को, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, उदाहरण हेतु पछुआ पवनें, जैसा कि आप जानते होंगे। नेक्स्ट आपका है मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, उदाहरण के लिए भारत की मानसून पवनें। भारत में मानसून पवनें जैसे आप देख सकते हैं, जो शीतकालीन पवनें होती हैं और ग्रीष्मकालीन होती हैं, यही आपकी मौसमी पवनें होती हैं। देन आगे आपका आता है स्थानीय पवनें, ये क्या होती हैं, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे आप बोलेंगे, भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहते हैं, ये भी आप जानते होंगे, गर्मी के मौसम में जो गर्म हवा चलती है उसे हम लू कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, आपका श्यामपट सारांश भी होता है, आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्क करते हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ पर देखिए आप तीनों प्रकारों को इस तरीके से समझाएंगे, और यहाँ पर देखिए स्थानीय पवने में नीचे दर्शा देंगे, फिर आप स्थानीय पवने में और मानसूनी पवनों में आप यहाँ पर दर्शा देंगे कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होती हैं पवने, ठीक। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको कवर कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, फिर होता है आपका बोध प्रश्न, ये क्या होता है, वही चीज़ जो अभी अभी आपने एक्सप्लेन किया, उसी में से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे कि उनको समझ में आ गया है नहीं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, पवनें कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, पवनें तीन प्रकार की होती हैं। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, पवनों के तीनों प्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, स्थायी, मौसमी और स्थानीय पवनें। फिर आपका क्वेश्चन होगा, स्थाई पवने किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि आपने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है। फिर पछुआ पवने कैसी पवने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर आगे आता है आपका निरीक्षण कार्य, ये क्या होता है, आपने अभी तक जितना भी श्यामपट सारांश दिया है, ब्लैकबोर्ड वर्क दिया है, आप वो बच्चों को उनकी नोटबुक में उतारने के लिए बोलेंगे और ख़ुद उस चीज़ को चेक करेंगे कि घूम घूम कर क्लास में कि वो लोग उतार रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा कक्षा का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न, आप ये बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं इसमें कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, हवा या पवन किसे कहते हैं, फिर पवने कितने प्रकार की होती हैं, मौसमी पवने किसे कहते हैं, पछुआ पवने किसे कहते हैं, फिर या पछुआ पवने कैसी पवनों को कहते हैं, फिर विक्षेपबल किसे कहते हैं। तो यहाँ तक आपका ये के एंड होता है ये। तो इसके बाद अब हम देखते हैं, आगे आता है आपका गृह कार्य, ये आपका होमवर्क होता है। गाइस आप अभी तक जितना ही पढ़ाए हैं उसमें से आप बच्चों को होमवर्क देंगे ताकि बच्चे उसे होमवर्क करके आएँ और आप दूसरे दिन चेक कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, पवन या हवा किसे कहते हैं या आप इसे क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ तक हमारा लेसन प्लान कवर हो गया है, अब हम देख लेते हैं चार्ट, आप इसमें टीचिंग मटेरियल क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसमें चार्ट यूज़ करिएगा। तो ये देखिए, ये चार्ट है प्रमुख वायुदाब पेटियों का, इसमें आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं पवनों की दिशाओं के बारे में, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब आती है, ये चीज़ आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप इस चार्ट को देख लीजिए, आई होप कि आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, विषुवत रेखा, रेखीय जो वायुदाब होते हैं, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसे इस चार्ट को बना लीजिएगा गाइस। तो यहाँ पर आके ये हमारा लेसन प्लान एंड होता है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा गाइस। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया।
और गाइस, अगर आपके पास और भी अच्छे प्रस्तावना प्रश्न होंगे तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको और भी अच्छे प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आते होंगे। तो गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।